हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा सो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रिलिम्स के दो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं बेसिकली टू बदल्स मैं आपको यहां पे कराने वाली हूं प्रिलिम्स लेवल के और ये जो लेवल है ये आपके पीओ लेवल है तो इन क्वेश्चंस को मैंने जो लिया है वो आ, आपके जो टेस्ट आ रहे हैं आजकल डेली ही ऑलिव पोर्ट के लॉकडाउन लाइव टेस्ट के नाम से आपके डेली एक टेस्ट आपको प्रिलिम्स लेवल का प्रोवाइड कराया जा रहा है इसमें आपके जो लेवल हैं, वो अब, मतलब दोनों तरीके के रखे गए हैं कभी आपको क्लर्क लेवल का दिया जा रहा है तो कभी आपको पीओ लेवल के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं मतलब पीओ लेवल का पूरा सेट दिया जा रहा है तो बेहतर है कि जब ये डेली ही लाइव फ्री में आपको मिल रहा है तो आप लोग इसे डेली अटैम्प्ट करें ताकि आपकी जो प्रिलिम्स की प्रैक्टिस है वो बनी रहे क्योंकि अगर पेपर आ गया तो फिर प्रिलिम्स में आपको वापस स्पीड लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो बेहतर है कि आप एक घंटा रोज़ निकाल लें और अपने जो मॉक है उनको अटैम्प्ट कर लें उसके बाद आप लोग सोल्यूशन भी देख सकते हो एनालाइज भी कर सकते हो सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को एंड इस वीडियो का फीडबैक प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा तो so, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में तो आप जो भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये कोई भी मत बोलना कि ये क्वेश्चन लेवल नहीं है ठीक है एक ना एक कोई ये बोल देता है कि मैम ये क्वेश्चन प्रीलिम्स लेवल नहीं है हमें ये छोड़ देना चाहिए छोड़ने के लिए मैं क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस नहीं करती हूँ इनफैक्ट इसलिए करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को छोड़े ना जो छोड़ने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाए सो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन है एस बी में इस टाइप के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं इनफैक्ट आर आरबी में भी आप देख सकते हो क्योंकि उसका लेवल भी अब काफ़ी इंक्रीज हो गया है ओके okay. So, यहाँ पे कह रहे हैं सेवन स्टूडेंट्स पी क्यू आर एस टी यू एंड वी स्टडी इन क्लासेज ऑन डिफरेंट फ्लोर इन अ सेवन फ्लोर स्कूल बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर बींग द लोअर मोस्ट वन एंड द सेवन बींग द टॉप मोस्ट तो आपके जो सेवन स्टूडेंट्स हैं पी क्यू आर एस टी यू एंड वी ये कैसे कर रहे हैं डिफरेंट फ्लोरस पे स्टडी कर रहे हैं ठीक है डिफरेंट फ्लोर पे इनकी क्लास है और सब पर्सन के पास ईच वन हैज पैन ऑफ ब्रांड इधर रेनॉल्ड स्पार्कर और लिंक तो सारे पर्सन जो है उनके पास पेन है और पेन की जो ब्रांड दे रखी है वो है रेनॉल्ड स्पार्कर और लिंक मतलब सबके पास एक एक पेन होगा और उनके पास अलग अलग ब्रांड का पेन है ठीक तो यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग वेरिएबल फिक्स करने के लिए पी क्यू आर एस टी यू को फिक्स कर सकते हो ठीक है जस्ट अ सेकेंड ओके सॉरी मैंने अभी ये कहा कि यहाँ पर आप लोग वेरिएबल को फिक्स करने के लिए पी क्यू आर एस टी यू वी को फिक्स कर सकते हो एक्चुअली आप इसे फिक्स नहीं करोगे बिकॉज ये फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। uh, मैं मिक्स वेरिएबल समझ रही थी ठीक है छोटी सी मिस्टेक हो गई मेरे से तो आप लोग यहाँ पे जब फ्लोर गिवन है तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे फ्लोर लिख लोगे तो सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन ठीक है इस फ्लोर को बना लोगे आप ठीक है सेवन जो है वो टॉप मोस्ट है गिवन है ओनली वन स्टूडेंट हैज रेनॉल्ड पेन तो खाली एक स्टूडेंट के पास क्या है रेनॉल्ड है बाकी सबके पास क्या होंगे या तो पार्कर होंगे या फिर क्या होंगे आपके लिंक होंगे ठीक अब देखो जैसे कि मान लो सात पर्सन है सात पर्सन में से एक को आपने रेनॉल्ड दे दिया तो बाकी के बच्चे छह तो उसका मतलब क्या ये निकलता है कि आप तीन को पार कर दोगे और तीन को लिंक दोगे ऐसा कुछ नहीं है हो सकता है ख्याली एक को पार कर दिया जाए और बाकी आपका पांच को लिंक दे दिया जाए या फिर चार को पार कर दिया जाए दो को लिंक दे दिया जाए ठीक है नंबर जो है वो आप खुद से डिसाइड नहीं करेंगे जब तक पर्टिकुलर मेंशन नहीं होती है ये बात तो यहाँ पे ये यह कह रहे हैं एक पर्सन को रेनॉल्ड मिलेगा मतलब रेनॉल्ड हम खाली एक बार यूज करेंगे उसके अलावा हम रेनॉल्ड की पॉसिबिलिटी कहीं भी नहीं लेंगे यहाँ पे कह रहे हैं क्यू हुज क्लास इज इमीजिएटली एब पीस क्लास हैज अ पार्कर पेन सो क्यू उसकी क्या क्लास क्या है पी से इमीजिएटली है हैज़ अ पारकर पेन तो क्यू के पास क्या है आपका पारकर पेन है तो उसको आप लिख लोगे बट इसको फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस अभी है नहीं स्पेस uh, है नहीं इन देंस कि अभी हमें उस टाइप का स्पेस नहीं मिला है जिसमें पॉसिबिलिटीज कम हो जो हम इसे फिक्स कर सकें विदऑप सेवन सिक्स सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन इन सब फिक्स कर सकते हो क्यू एंड पी को है ना आगे गिवन है पीस क्लासेस हैज अ पार्कर पेन सो पीस की जो क्लास है उसमें क्या है आपका पार्कर पेन है सो so, पी की क्ला, पी जो क्लास है उसमें पार्कर पेन है तो आगे कह रहे हैं देयर आर टू क्लासेस बिटवीन आर्ट एंड टीस क्लासेस तो यहां पर आपकी दो क्लासेस है Uh, किसके बीच में आर और टी के बीच में और जस्ट उसके आगे वाली लाइन भी इसी से कनेक्टेड है कि आर बीन एब एंड नन ऑफ देम हैव रेनॉल्ड्स तो यहां पर आपका आर और टी के बीच में दो क्लासेस है प्लस आर जो है वो ऊपर है टी जो है वो नीचे रहेगा तो आर आएगा वन एंड टू का गैप करके टी आएगा ठीक है एक तो ये हो गया इस पर राइट का साइन लगा दो दूसरी बात ये है कि दोनों के पास क्या नहीं होगा रेनॉल्ड्स के पेन नहीं होंगे ठीक है देन द वन हुड क्लास ऑन फर्स्ट फ्लोर हैज पारकर पेन तो जो फर्स्ट फ्लोर पर क्लास है उसके पास क्या है पार्कर पेन है so, यहाँ पर आप पारकर लिख दोगे देन वीस क्लास इज एब आरस बट बिलो क्यूज तो वी की जो क्लास है वो एब है किससे आर से लेकिन क्यू से कैसी है छोटी है ठीक है उसके बाद आगे कह रहे हैं वन हु हैड रेनॉल्ड्स हैज क्लास इमीजिएटली हैज क्लास इमीजिएटली बिलो द वन हु हैज पार्कर तो वो पर्सन जिसके पास रेनॉल्ड है उसकी क्लास तुरंत नीचे है पार्कर से तो रेनॉल्ड ठीक है आगे कह रहे हैं नेदर यू नॉर हैज हैव रेनॉल्ड्स ठीक है

आगे कह रहे हैं एस एज वेल एज द स्टूडेंट हुज क्लास इज इमीजिएटली बिलो वीज हैज लिंक तो एस एस और वो पर्सन जिसकी क्लास वेल द स्टूडेंट हुज क्लास इज इमीजिएटली बिलो वीज क्लास मतलब एस और वो पर्सन जो कि वी के तुरंत नीचे है तो वी के तुरंत नीचे मान लो एक्स है ठीक है ये हमने माना है वी के तुरंत नीचे एक्स है तो एस और एक्स दोनों के पास क्या है लिंक पेन होंगे ओके okay? देन नो टू स्टूडेंट्स हैविंग पार्कर पेन हैव क्लासेज इमेजियटलीच अदर यानी की सीधी सी बात है कि पार्कर वाले पेन जो है वो एक दूसरे के एच जैसे नहीं आएंगे ठीक अब आप इसे फिक्स करोगे तो कैसे फिक्स करोगे देखो तो टी से उठाओ टी दो का गैप करके आर इनकी पोजिशन फिक्स है फिर आर के ऊपर वी और क्यू आएगा और क्यू से रिलेटेड यह है कि क्यू के जस्ट नीचे क्या आएगा आपका पी आएगा है ना तो हम लोग यहीं से क्वेश्चन को उठाते हैं अब यहाँ पे हम लोग राइट right का साइन नहीं लगा रहे बिकॉज क्यू और वी के बीच में गैप हो सकता है लेकिन क्यू और पी के बीच में गैप नहीं होगा तो अगर मान लो टी यहाँ आता है तो वन और टू का गैप करके आर यहाँ पर आ सकता है ये पहली आपकी कंडीशन है दूसरी बात आर के ऊपर हमें कितने वेरिएबल ऑल चाहिए देखो आर के ऊपर हमारा एक तो वी आएगा एक बी हो गया दूसरा आपका यहाँ पे ये यह कहा गया था कि वी जो है वो क्यू के नीचे है तो वी जब क्यू के नीचे है यानी कि क्यू ऊपर होगा और क्यू ऊपर होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि Q के जस्ट नीचे वी ही आ जाए क्यूँकी जस्ट नीचे क्या आएगा पी जैसे कि यहाँ पर कहा गया है यानी कि क्यू होगा पी होगा और फिर वी होगा यानी कि आर के ऊपर तीन और होंगे जो कि कौन है क्यू पी और वी तो सीधा सा यहाँ पे आ जाएगा क्यू पी और वी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी ठीक है तो इसे हटा दो ठीक है ठीक है, उसके अलावा देखते हैं सो यहां पे यू और एस को फिक्स करने के लिए एस के तुरंत ऊपर और तुरंत नीचे पार कर आएगा और वी के नीचे देखो तो यहाँ पे कह रहे हैं वी के नीचे जो पर्सन है और एस उसको लिंक दिया जाएगा तो V के नीचे क्या है आर यानी कि आर को तो क्या मिलेगा लिंक मिलेगा ठीक है अब एस को लिंक मिलेगा लेकिन यहां पर ये कंडीशन भी रखनी है कि एस के तुरंत ऊपर और नीचे पार कर हो तो देखो क्या एस आप थ्री पे दे सकते हो नहीं क्यों क्योंकि क्यों, ऊपर की तरफ आप पार कर नहीं दे सकते इसका मतलब आप एस यहां लिखो ठीक है U और S को रेनॉल्ड नहीं मिलेगा तो U और S को रेनॉल्ड नहीं मिलेगा R और T को रेनॉल्ड नहीं मिलेगा तो P एंड V में से किसी एक को हम क्या देंगे रेनॉल्ड देंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह कहा गया था कि पार कर के तुरंत नीचे रेनॉल्ड आएगा तो देखो अगर मैं V को रेनॉल्ड देती हूँ तो मुझे P को पार कर देना पड़ेगा बट तो मैं P को पार कर नहीं दे सकती क्यों क्योंकि यहाँ पर गिवन है की पारकर और पारकर इमीजिएटली नेबर नहीं होंगी या फिर इमीजिएटली एब बिलो नहीं आएंगे इसका मतलब सीधा सा है कि ये जो क्यू वाला पार्कर है इसी के नीचे क्या आएगा आपका रेनॉल्ड आएगा और यहाँ पर जो वी है उसे क्या दिया जाएगा देखो रेनॉल्ड तो दिया नहीं जा सकता ठीक है इसको क्या दिया जा सकता है पार्कर दिया जा सकता है या फिर लिंक भी दिया जा सकता है क्यों क्योंकि इन्होंने पार्कर के बारे में ऐसा कहा था कि पार्कर और पार्कर एड्रेस सेंड नहीं होंगे बट इन्होंने लिंक के बारे में कुछ भी नहीं कहा है कि लिंक और लिंक एडज सेंड नहीं होंगे ठीक है तो ये होगा सर करेक्ट आंसर इफ नो टू स्टूडेंटिंग लिंक हैव क्लास इमीजिएटली एबअ बिलो ईच अदर देन हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पारकर पेन तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर को, कोई भी दो स्टूडेंट जो है वो लिंक के एडजस्ट सेंड नहीं होंगे ठीक है तो कितने स्टूडेंट्स के पास पारकर पेन है तो यहाँ पर देखो लिंक और लिंक दोनों एडजस्ट सेंड नहीं होंगे तो यानी कि यहाँ पर लिंक नहीं वी को क्या मिलेगा पारकर तो टोटल नंबर ऑफ पारकर पेन कितने होंगे वन टू थ्री एंड फोर फोर होंगे ऑप्शन नंबर सी हुआ मंग द फॉलोइंग इज ऑड सो पी को यहाँ पर टू कह रहे हैं वन टू थ्री का गैप है टी सेवन वन टू थ्री फोर फाइव फाइव का गैप है आर फोर वी फाइव एस सिक्स यहाँ पे तो वी फाइव और फिर आर एस और आर तो सेम ही हो गया दोबारा से देखते हैं देखो पी को इवन नंबर पेन है फिर उसको इवन नंबर ही दिया गया है आ, लेकिन इससे तो फिर आर और वी सेम ही रहेगा हाउ मेनी फ्लोर आर दियर एब फ्लोर ऑन विच द स्टूडेंट्स विद रेनॉल्ड पेन हैज अ क्लास कितने फ्लोर जो है वो एब रेनोल्ड वाली क्लास से तो ओनली वन फ्लोर है ऑप्शन नंबर बी हु हैज रेनॉल्ड पेन किसके पास है तो पी के पास है ऑप्शन नंबर ए हुज क्लास इज इमीजिएटली एब एस क्लास एस के क्लास के इमीजिएटली एब किसकी क्लास है सो तो ई e की है ऑप्शन सॉरी यू की है तो ऑप्शन नंबर ई e. uh, ये ये थोड़ा सा नहीं हो हो रहा है है uh, जितने भी English वाले person है, उनको में जाएगी okay? तो सिंगल चिट विथ सर्टेन नंबर ठीक है तो यहाँ पर आपका हर पर्सन जो है वो आपका uh, एक चिट पकड़ रहा है उसमें कुछ सर्टेन नंबर है तो नंबर ऑन द नंबर ऑन ईच चिट वॉज डिफरेंट जो नंबर है हर चिट पे वो डिफरेंट है एंड वॉज बिटवीन वन टू नाइन नॉट नेली इन दिस सेम ऑर्डर ओके यहाँ से क्वेश्चन को हम देखते हैं तो वन टू नाइन लिखा है ना चिट में तो हम लोग क्या करेंगे नंबर डाल लेंगे पहले नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू और वन ओके गिवन है नंबर पिक्ड बाय ई वॉज सिक्स मोर देन द नंबर पिक्ड बाय एफ तो E जो है वो छह ज्यादा है F से तो अगर मान लो F को मैं वन देती हूं तो E को मैं क्या दूंगी सेवन दूंगी यहाँ पे ओके? Okay? अगर E को मैं टू देती, देती हूं F को अगर मैं टू देती हूं तो मैं E को यहां पर क्या दूंगी यहां पर कितना ऐड करना है सिक्स तो E को मैं दूंगी एट F को अगर मैं थ्री देती हूं तो मैं E को दूंगी नाइन ओके सी द नंबर वन लेस देन डैट पिक बाय एफ तो सी जो है वो नंबर को पिक करेगा जो कि वन लेस देन है एफ से तो यानी कि ये वाली कंडीशन तो कट हो जाएगी ठीक है इसमें देखोगे तो सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा ठीक ए पिक द नंबर डैट वॉज ट्वाइस एज डेट ऑफ द नंबर पिक बाय सी तो ए जो है वो डबल होगा सी के नंबर के तो सी वन है तो वन के डबल टू होगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए जो है क्या ए के लिए आप टू दे सकते हो नहीं दे सकते हो तो यहाँ पर आप क्या दोगे इसको कट कर दोगे ठीक है यहाँ पर आप C को टू दोगे तो टू टूज ऑफ फोर ए को क्या मिलेगा फोर I पिकड ऑन इवन नंबर बट नॉट ए तो I जो है वो इवन नंबर पिक कर रहा है यानी कि आठ छ चार दो में से कोई पिक करेगा बट आठ तो पिक नहीं कर रहा है बाकी का चार और दो जो है वो फिक्स है यानी कि सीधी सी बात है आपका आई जो है वो छे पिक करेगा द सम ऑफ द नंबर पिक बाय जी एंड वी वॉज इक्वल टू द नंबर पिक बाय एच तो आपका जी और बी का जो सम होगा वो इक्वल है एच से तो यहाँ पर आप देखोगे कि जी और बी जो है उसे हम कहाँ लिखेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि एच जो है वो कहाँ आ सकता है देखो अगर एच पाँच आएगा तो जी और बी से जी और बी को आप कोई ऐसे दो नंबर नहीं दे सकते हो जिसका टोटल फाइव बन जाए सात होगा तो पाँच और एक मिलके छः बनेगा ये भी नहीं हो सकता है आठ हो सकता है अगर मैं एच को आठ दू तो जी और बी सात और एक को सात और एक को प्लस करके आपका h का नंबर आया जा सकता है देन b b picked a number greater than a number picked by g तो b जो है वो ग्रेटर है g से तो b ऊपर रहेगा g नीचे रहेगा लास्ट पर्सन आएगा वो आएगा d तो d आ जाएगा यहाँ पे ओके व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर पिक बाय i और a तो i और a के बीच में कितने नंबर का गैप है 2 ऑप्शन नंबर a

चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले और यहाँ जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो हैव अ नाइस डे